गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ओबेसिटी के बारे में जाना, उससे होने वाले नुकसान के बारे में जाना कि हमारी हेल्दी लाइफ को वो कैसे बिगाड़ सकती है, स्पॉइल कर सकती है, उस बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना। अब हम इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर है फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे कि ब्लड प्रेशर किससे कहा जाता है। एज अ डेफिनेशन अपन देखें, द प्रेशर एक्सटेंड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बाय फ्लोइंग ब्लड इन द वेसल्स। हमारे वेसल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो एक तरह के उनके वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वेसल्स के माध्यम से अलग अलग पार्ट पर जाता है, उस वेसल के वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है वही ब्लड प्रेशर को बताता है। ये तो हमारा डेफिनेशन के रूप में फर्स्ट पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। आर्टरीज जो होती है वही हमारी ब्लड वेसल्स होती है, वो हमारे अलग अलग पार्ट पर ब्लड भेजने का काम करती है। और ये ब्लड लाती कहाँ से है, वो लाती है वो हार्ट से और टू द ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। और हमारे अलग अलग जो बॉडी के अंदर टिश्यूज वगैरह है, ऑर्गन वगैरह है, वहाँ पर पहुँचाने का काम जो है वो ये ब्लड वेसल्स करती है। जब बात थर्ड पॉइंट की आती है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो बच्चों इस पॉइंट को बोल रहे ध्यान से समझना। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन ए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दो तरीके के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल 120/80 सिस्टोलिक प्रेशर, देन इट इज अपर वैल्यू, इट रिप्रेजेंट प्रेशर इन ए आर्टरी। आर्टरी पर जो प्रेशर वगैरह बताती है वो बताती है 120/80। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 80 से 120 या फिर 90 जो से लेके 120 हमारा नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। इसमें कुछ आगे पीछे होता है तो हमें या तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो कितना बता रखा है, 120/80। इन दिस मसल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द पंप ब्लड इन ए आर्टरी। और इसके अंदर मसल्स वगैरह जो होती है हार्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, पंप करती है ब्लड को और कहाँ भेजती है, अपने आर्टरीज के अंदर। तो ये नॉर्मल जो पॉइंट मैंने थिंग बताई कि सिस्टोलिक प्रेशर के रूप में 120/80 के रूप में बताया, जो कि अपर वैल्यू को शो करता है और आर्टरी के अंदर ये ब्लड वेसल्स जो है वगैरह जो ब्लड आसानी से क्या होता है, फ्लो वगैरह होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डायस्टोलिक प्रेशर मीन्स लोअर वैल्यू। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा हो गया, लोअर वैल्यू। और ये जो मैंने बताया था कौन सा बताया था, अपर वैल्यू। अपर वैल्यू के रूप में 120 और लोअर वैल्यू के रूप में 80 के रूप में अपन इसको समझते हैं। इट रिप्रेजेंट दैट द प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट मसल डायस्टल आफ्टर ए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, आराम से ऐसे कि पंप होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वैसे वापस उसका रिलैक्सेशन होता है। तो पंप होना, रिलैक्सेशन होना, ये बताता है अपना डायस्टोलिक प्रेशर के रूप में। इसका क्या बता रखा है, 80 जो कि उसका लोअर वैल्यू है वो बताता है डायस्टोलिक प्रेशर को, और सिस्टोलिक प्रेशर उसका अपर वैल्यू है जो कि बताता है 120 को। द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन अराउंड 90 to 120 mmHg। mmHg का मतलब हो गया मिलीमीटर के रूप में। हमारे नॉर्मल जो पर्सन वगैरह होता है उसके जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 90 to 120। इसके बीच अगर ब्लड प्रेशर हमारा बॉडी का होता है तो हम फिट होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर या फिर सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो या तो हमें लोअर ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की संभावना हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें अपन तो सिक्स पॉइंट है इसका, और मैंने इम्पोर्टेंट शो भी कर रखा है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज नोन एज स्पाइग्नोमैनोमीटर। स्पाइग्नोमैनोमीटर
अक्सर हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम हाथ पर जो एक पट्टे के रूप में जो बांधा जाता है, फिर डॉक्टर जो पंप करता है, वही जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है, जिसके माध्यम से ब्लड प्रेशर जो है हमारे बॉडी का आसानी से नापा जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को नापने का जो जो मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या कहा जाता है, तो हमें आंसर बताना है स्फिग्नोमैनोमीटर। और इसको मैंने अच्छे से अंडरलाइन भी किया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर। जब बात सेवन्थ पॉइंट की करें तो स्टीफन हेल्स फर्स्ट टाइम मेजर ब्लड प्रेशर ऑफ ए हॉर्स इन 1733। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर है वो हॉर्स के अंदर देखा, और वो कब देखा, 1733 के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, जिसमें पहला पॉइंट हमने डेफिनेशन के बारे में जाना, सेकंड पॉइंट जो था हमारा कि ब्लड जो पंप करता है हार्ट से ब्लड वगैरह लेके वेसल्स के रूप में, आर्टरीज के रूप में वो हमारे बॉडी के ऊपर भेजता है। फिर आता है सिस्टोलिक प्रेशर जो कि 120 को, जो कि उसकी अपर वैल्यू को शो करता है। फिर आता है फोर्थ डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको लोअर वैल्यू के रूप में जाना जाता है। जब बात नॉर्मल फिफ्थ पॉइंट की आती है, नॉर्मल की बात आती है, तो नॉर्मल पर्सन की जो ब्लड प्रेशर की जो होती है वो कितनी होती है, तो 90 to 120 mmHg है, ये बताना होता है। जब बात सिक्स्थ पॉइंट की आती है कि कौन सा मेज़र, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेज़र किया जाता है, तो वो हमें बताना होता है स्फिग्नोमीटर। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हॉर्स में कब किसने मेज़र किया था, तो हमें बताना है स्टीफन हेल्स। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कब किया, तो हमें बताना है 1733 के अंदर। तो ये कुछ बातें थी इस टॉपिक के अंदर। हमने इस टॉपिक के अंदर अब तक सेवन पॉइंट लिए हैं। अगले जो पॉइंट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और हम इसी टॉपिक के बारे में अगली वीडियो के अंदर पॉइंट 8 से लेके जितने भी पॉइंट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।